टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में ठाणे महानगर पालिका के 11 शौचालय तोड़े जा रहे हैं, मगर स्थानीय समाज सेवकों की मांग है कि यहां पर दोबारा से शौचालय बनाए जाए। कुछ शौचालय मुंब्रा बाईपास से बिल्कुल लगकर थे, सम्राट नगर जैसे इलाकों में जहां के लोग शौच के लिए इन शौचालय का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन शौचालय को भी ठाणे महानगर पालिका ने तोड़ दिया है, जिसकी वजह से अब लोग मुंब्रा बाईपास की तरफ शौच के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास मजबूरी है मुंब्रा बाईपास पर शौच के लिए जाना। वही सामाजिक कार्यकर्ता चेतना दीक्षित और देवेंद्र तिड़कैया ने मनपा से मांग की है कि शौचालय जो तोड़े जा रहे हैं वहां पर फिर से शौचालय बने। इसी तरह से आपको बता दें कि मेक कंपनी के पास भी मनपा का एक शौचालय था, मगर काफ़ी दिन पहले उसे भी तोड़ दिया गया। हालांकि मेक कंपनी में जो है राशनिंग ऑफिस है और बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर लोगों का काफ़ी आना जाना होता है। ऐसे में यहाँ का शौचालय क्यों तोड़ा गया, यहाँ शौचालय की काफ़ी ज़रूरत है। शहर में ऐसे कई शौचालय थे जिसकी देखभाल ठीक तरह से नहीं हुई और लाखों रुपए की लागत से बनाए गए ये शौचालय देखभाल ना होने की वजह से बर्बाद हो गए। और आखिरकार इन शौचालयों को धोखादायक घोषित करके मनपा ने ऐसे करीब 11 शौचालय को तोड़ दिया है। ऐसे में शहर में शौचालय की मांग अब बढ़ती ही जा रही है। कहीं कहीं तो ऐसी हालात हो गई है कि शौच करने के लिए अंधेरा होने का इंतज़ार हो रहा है कि कब अंधेरा होगा, कब वो झाड़ियों में शौच के लिए जाएंगे, क्योंकि हर झोपड़ पट्टी में रहने वालों के पास शौचालय नहीं बना हुआ है। मजबूरी में उन्हें झाड़ियों में और मुंब्रा बाईपास जैसे इलाकों में शौच के लिए जाना पड़ता है, वो भी रात के अंधेरा होने का इंतज़ार उन्हें करना पड़ता है। बहरहाल शौचालय की मांग को लेकर जो है देवेंद्र तिड़कैया ने मनपा में लेटर भी दिया है और आज उन्होंने क्या कुछ कहा है, और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं चेतना दीक्षित, उन्होंने भी शौचालय की मांग को लेकर क्या कहा है, सुनिए। ये मैक कंपनी के गेट पे जो शौचालय था इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, यहाँ पर हज़ारों वर्कर्स काम करते हैं, साथ में पोस्ट ऑफिस है, रेशनिंग ऑफिस है, लाइट का इधर है, टोरेंट का ऑफिस है, साथ में यहाँ पर बैंक है और सामने स्कूल है, आरटीओ ऑफिस है, तलाठी ऑफिस है, टेम्पो स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड है, कार का स्टैंड है, यहाँ पर किसी न किसी वजह से पब्लिक आती रहती है। और यहाँ पर जब इमरजेंसी के अंदर रास्ते पर कोई भी टॉयलेट नहीं होने के वजह से लोगों को दिक्कत होती है, और इसी के साथ में इन लोग माने जो बस्तियों के अंदर के जो टॉयलेट्स हैं ये टॉयलेट्स भी मेंटेन नहीं करते हैं, उस वजह से भी जो रहवासी लोग हैं हाँ इनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं होने के वजह से उनको बाहर रोड पर जाना पड़ता है। अगर बाहर बाईपास की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक्सीडेंट का डर रहता है, शाम होने तक उनको राह देखनी पड़ती है, इसलिए उनको बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और अगर गंदे टॉयलेट्स में जाते हैं तो टॉयलेट इन्फेक्शन होता है। हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से मैंने पब्लिक को बहुत ही ये नेचुरल प्रोसेस के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। इसके ऊपर ना ही मनपा प्रशासन का ध्यान है और ना ही लोक प्रतिनिधि का ध्यान है। लेकिन मैं देख रहा हूँ वो ये इलाका तो छोड़ो, वो जो रोड पे भी जो शौचालय बने हुए वो भी तोड़े जा रहे हैं। वो क्यों तोड़े जा रहे हैं, वहाँ तो सारे सरकारी दफ्तर है, मेक कंपनी है, उधर टोरंटो का ऑफिस है, तलाटी है, वहाँ अगर कोई रोड पे चल रहा है और उसको जाना है अचानक में तो कहाँ जाएगा। नहीं, जो बस्ती वाले लोग हैं इनमें भी काफ़ी परेशानी हो रही है, लोग जो है बाईपास की तरफ जा रहे हैं और दूसरी जगह जहाँ शौचालय चालू है वहाँ काफ़ी दूर लोगों को जाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, अभी तो ऐसा हो गया है कि दिन में अगर किसी को जाना है तो नाइट के लिए इंतज़ार कर रहा है, रात का इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है कि अंधेरा होगा तो फिर मैं बाईपास पे जाऊं या कहीं पे जगह मिलती है तो वहां जाऊं। जेंट्स तो कहीं भी चला जाता है, लेडीज़ का क्या। देवेंद्र भाई, मनपा प्रशासन ने करीब 11 शौचालय जो हमें जानकारी मिली थी 11 शौचालय तोड़ने के लिए जो है कहा है कि 11 शौचालय तोड़े जाएंगे, धोखा जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि लाखों रुपए लगा के ये शौचालय बनाए गए और महज 10 साल के अंदर ही ये शौचालय तोड़े गए, और आप लोगों की तरफ से मांगनी भी की जा रही है कि दोबारा शौचालय बनाया जाए, फिर टेंडर निकलेगा, क्या लग रहा है आपको पूरा मामला। ये तो सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो थे शौचालय के जो स्ट्रक्चर थे वो इतने भी जर्जर नहीं थे, उसको ज़रूरत नहीं थी, उसको बाहर से प्लास्टर वगैरह करके जो भी टाइलिंग करना है और टाइलिंग करके प्लम्बिंग का काम करके उनको फिर से शुरू किया जा सकता था।
लेकिन अभी मैंने किसी को पूछा था तो वो बोले भाई कम से कम 25 साल तो इसको नहीं तोड़ा जाता है। तो जब 25 साल नहीं तोड़ा जाता है तो 10 सालों में क्यों तोड़ा जा रहा है? अच्छा, तोड़ने के बाद अभी ये तो फिर जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए इसकी, क्यों तोड़ा जा रहा है? पब्लिक का जो पैसा है, जो टैक्स भरते हैं लोग, उसका जो पैसा है वो ऐसा इतना ये तो नहीं है कि उसको तुम हर 10 साल में घड़ी घड़ी उसको इस तरीके से ये करो वापरो। अभी उसके ऊपर कुछ भी बनेगा तो भी फिर भी लोगों का ही पैसा लगेगा ना उसमें, फिर भी फंड निकलेगा। हाँ बिल्कुल निकलेगा, अभी ये तो जांच का विषय है। शौचालय घोटाला नजर आ रहा है जी, बिल्कुल कोई शक नहीं है।